हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे यूजर पेमेंट एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल पे में बैंक अकाउंट कैसे ऐड किया जाता है, हाउ टू ऐड बैंक अकाउंट इन गूगल पे। और ये 2023 में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं गूगल पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट को कैसे ऐड किया जाता है। और अगर अभी तक आपने गूगल पे एप्लीकेशन को यूज नहीं किया तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको एक काम करना है, बैंक अकाउंट ऐड करनी है। और जब आपने गूगल पे अकाउंट क्रिएट किया था तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होनी चाहिए, तभी आप किसी के साथ पेमेंट रिसीव कर सकते हो, किसी को पेमेंट भेज सकते हो। और साथ ही अगर आपने किसी को रेफर किया है या कोई आपके द्वारा रेफर हुआ है तो रेफरल का पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। तो जब तक आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं करोगे तो आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकेंगे, किसी से पेमेंट रिसीव भी नहीं कर सकेंगे और रेफरल का पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारा बैंक की एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट योर बैंक, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। मान लीजिए आपके पास या लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके ऑल बैंक्स में देख सकते हो कि आपका कौन सा बैंक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन है, सर्च बैंक, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने बैंक का नाम टाइप करके बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा स्टेट बैंक में खाता है तो यहाँ पे मैं स्टेट बैंक चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे कह रहा है ऐड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। और एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा वरना नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ परमिशंस मांग रहा है, परमिशंस को मैं अलाउ कर देता हूँ। और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपके बैंक अकाउंट से पहले से ही रजिस्टर्ड है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, SIM 1 या SIM 2, जो भी सिम में आपका जो वो मोबाइल नंबर है जो लिंक है उसको चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा SIM 2 है, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा। और आपके मोबाइल में पहले से ही कुछ पर्याप्त बैलेंस होनी चाहिए SMS भेजने के लिए, तो यहाँ पे आपको परमिशन को एक बार अलाउ करना है और यहाँ पे SMS सेंड होगा और ये बैंक अकाउंट को फाइंड कर रहा है और ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ SMS चार्ज कटेंगे, तो यहाँ देखिए बैंक अकाउंट एडेड दिखा रहा है और योर सेट टू मेक पेमेंट, यहाँ पे रिसीव मनी फ्रॉम एनी UPI ऐप, यहाँ पे आपको करना है। अगर आप UPI नंबर ऐड करना चाहते हो तो UPI सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल UPI सेट नहीं करूँगा, नॉट नाउ पे मैंने क्लिक किया। और देखिए यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे प्रोफाइल फोटो दिख रही है ऊपर की ओर राइट साइड में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी नाम है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यानी कि UPI आईडी अगर आप ऑटोमेटिक सेट हो वो दिखेगा, अगर नहीं सेट किया तो नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ से आप दूसरे बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से भी वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बैंक अकाउंट में आपको टैप करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अगर आपको दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे फीड करना है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे सेटअप हो चुका है, अब मैं यहाँ किसी से भी पेमेंट, किसी को पेमेंट भेज सकता हूँ और किसी से पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे दिए हुए रेफरल लिंक को भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको 201 रुपये तक का रेफरल बोनस मिल जाएगा। और रेफरल बोनस कैसे यूज़ करते हैं मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप वीडियो को आई बटन में चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप पेटीएम में रेफर एंड अर्न कैसे कर सकते हो ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर अपना वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो
वहां पे आपकी जितने भी क्वेरीज है मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।